हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम कल के लिए एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी। तो आज जो है तो बैंक निफ्टी की आज मंथली एक्सपायरी थी और हमने फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है बैंक निफ्टी में। लगभग 35 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 35,070 के लेवल पे बैंक निफ्टी। तो जैसे मैंने कहा था कि नीचे के लेवल पे बाइंग आएगी, तो आज हमने लगभग 400-450 पॉइंट का रेंज देखा और नीचे के लेवल पे जैसे ही बैंक निफ्टी खुला मॉर्निंग में, हमने एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी और ऊपर जो है तो लगभग 35,200 के लेवल भी हमने बैंक निफ्टी में देखे थे। तो लगभग 34,750 से लेकर 35,200 तक बैंक निफ्टी का फ्यूचर गया था और 400-450 पॉइंट की रिकवरी हमने लो से देखी थी। अभी यहाँ जो है तो डेली चार्ट पे लास्ट टू डेज के बाद आज पहला दिन था कि जिसमें पॉजिटिव बैंक निफ्टी बंद हुआ है, मगर क्लोजिंग इतनी कुछ खास नहीं है। और यहाँ मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है तो ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सप्लाई आ रहा है बैंक निफ्टी में, तो हो सकता है कि एक साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू रहे या फिर उसके बाद में जो है तो अगर अच्छा खासा प्रेशर आता है, क्योंकि निफ्टी तो वीक लग रहा है, तो बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि नीचे के लेवल एक बार टेस्ट कर सकता है। तो कल के लिए मैं बैंक निफ्टी पे बेयरिश व्यू लेकर चलूंगा। आपको बैंक निफ्टी कल के लिए बेचना है 35,200 से लेकर 35,400 के जोन में। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 35,600 के ऊपर और नीचे मुझे लगता है कि 34,500 से लेकर 34,100 के लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। अभी देखते हैं आवरली चार्ट पे कि लेवल्स कहाँ दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हो कि आवरली चार्ट पे जो है तो जो मेजर एवरेजेस है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ जो है तो हमने अच्छा खासा सप्लाई देखा था बैंक निफ्टी पे लगभग 35,300 से 400 के लेवल पे। तो मुझे नहीं लगता कि ये लेवल इजीली क्रॉस कर पाएगा। अगर उस लेवल पे आता है फिर से तो हम जो है तो शॉर्ट ट्रेड लेंगे बैंक निफ्टी में विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो है तो 35,600 के ऊपर ही रहेगा, ये लेवल के ऊपर ही रहेगा। और अगर इस लेवल पे खुलता है तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो तो बहुत ही फेवरेबल हो जाएगा, और अगर वहाँ नहीं खुलता है तो आपको यहाँ जो है तो शॉर्ट की पिरामिडिंग करनी पड़ेगी। आप अगर मल्टीपल लॉट में ट्रेड करते हो तो एक एक लॉट ऐड करते जाइए, 100-200 पॉइंट पे, हर 200 पॉइंट पे एक लॉट ऐड करते चलिए और स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका फिक्स रहेगा 35,600। और जैसे मैंने कहा नीचे के लेवल जो है तो मुझे लगता है कि 34,500 से लेकर 35,000 का पुट ऑप्शन जो है जो मंथली एक्सपायरी का जनवरी सीरीज का वो बाय करना है, उस पर भी स्टॉप लॉस आपका वही रहेगा 35,600 का। अगर फ्यूचर 35,600 का लेवल क्रॉस करता है तो आपको उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा वो लेकर निकल जाना पड़ेगा। और नीचे जो है अगर निफ्टी 34,500 या फिर 34,100 पे आता है तो मुझे लगता है कि उस ऑप्शन में आपको लगभग 50-80% प्रॉफिट दिख जाना चाहिए उस सिनेरियो में। और अगर शार्पली आता है तो हो सकता है कि वो ऑप्शन डबल भी हो जाए। तो जो ऑप्शन लेंगे हम वो पुट ऑप्शन लेंगे 35,000 का और वो भी डिप्स पे बाय करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा उसके लिए वो रहेगा 35,600 का। यहाँ जो है तो अगर आप बड़े चार्ट पे जाते हो तो बैंक निफ्टी जो है तो एवरेजेस के अराउंड है, तो यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू हो सकता है बैंक निफ्टी में, मगर जो डेली चार्ट है और आवरली चार्ट है वो बेरिज दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि जो फिर से जो प्रीवियस लो थे वो एक बार बैंक निफ्टी टच कर सकता है। तो प्रीवियस लो जो था वो हमारा था 34,100 के करीब, तो वो लेवल जो है तो टच कर सकता है। और कल फ्राइडे इस साल का आखिरी दिन है तो एक और फ्राइडे के दिन मोस्टली मार्केट जो है तो वोलेटाइल रहते हैं। अगर ट्रेंड वीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है कि उस दिन जो है तो एफआई जो सेलिंग करके निकल जाते हैं। तो कल के दिन जो है अगर सेलिंग कंटिन्यू या फिर वीकनेस रहती है तो वो तो शार्प रहेगी और एक बड़ी सी डाउनसाइड हम देख सकते हैं अगर सेलिंग कंटिन्यू रही कल के लिए। तो यहाँ आपको सेल ऑन राइज व्यू लेकर चलना है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी मुझे एक बार थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद बैंक निफ्टी जो है तो नीचे के लेवल के लिए फिर से अप्रोच हो सकता है और नीचे के लेवल मेरे अच्छे खासे नीचे के लेवल बैंक निफ्टी
एक मीडियम टर्म में दिखा सकता है। तो अब हम जो है तो मंथली एनालिसिस वीडियो या फिर जो लॉन्ग टर्म का वीडियो है उसमें एनालाइज करेंगे और टारगेट भी देखेंगे 1 जनवरी के बाद कि क्या टारगेट निकल कर आते हैं अगले साल के लिए बैंक निफ्टी में। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 2022। Thank you for watching this video. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.